लाल जी, धर्मू जी, अनीता दम जी, धनेरिया महिला मोर्चा की महामंत्री शायद ग्यार सिंह लाल जी, पार्टी साथी तो है ग्यार सिंह लाल जी, ठीक है, माननीय मंत्री महोदय अनीता जी भदे स्वागत का प्रारंभ करती हूँ। मैं उनके स्वागत के लिए मैं विमला जी, युवा मोर्चा अध्यक्ष, इन सभी से कहूंगी वो आके अपना स्थान ग्रहण करें। विनोद जी, सुरेंद्र जी बैनवाल, डॉक्टर सोनारीवाल जी, अरे काम करता है, मंत्री महोदय द्वारा उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसलिए आप सभी को मेरी जहां तक आवाज आ रही है, आप सभी से अनुरोध है गंगा सिंह वासु को पकड़ो। अरे भैया पकड़े। उपयोगिता तब है जब आप इसको अपने घर की संपत्ति मानोगे और अपने घर की संपत्ति मान करके उसका उपयोग अपने घर की संपत्ति जैसे करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे ना। मुझे ये नगरा तेल मिल के पीछे वाला जो हमारी ये कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी में बहुत छोटे छोटे मकानों में लोग रहते हैं, इनका जगह थोड़ी कम है और यहाँ एक कोई सार्वजनिक स्थान ऐसा स्नानागार का नहीं है जहाँ महिलाएं, क्योंकि हिंदू परंपरा में जब घर में कोई स्वर्गवास हो जाता है बड़ा बुजुर्ग, तो नहाने के लिए महिलाएं निकलती हैं और वो स्थान उपलब्ध नहीं होता। इसके अतिरिक्त भी कोई सार्वजनिक काम हो, कोई शादी ब्याह हो, तो कहीं मेहमानों को नहलाने के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है इस पूरे एरिया में। तो यदि ये बाथरूम यहाँ बन जाते हैं तो पूरा क्षेत्र के लोगों को, जो आबादी है, उसको लाभ मिलेगा, ना केवल तिये की स्थान की के लिए बल्कि और दूसरे अवसरों पे भी। जो घर में कोई अच्छा काम होता है, खुशी का काम होता है, कोई फंक्शन है, 10 मेहमान आ गए, तो उनको नहलाने की व्यवस्था भी यहाँ पर हो सकती है। तो इस तरह से ये सार्वजनिक स्नानागार यहाँ बनाया जा रहा है जिसकी लागत 8 लाख रुपया है और ये विधायक कोष से मैंने स्वीकृत किया। यहाँ जनता की मांग थी कि ये बनाया जाए, तो जनता की डिमांड पर ही हमने ये स्वीकृत किया और आने वाले समय में ये बन करके तैयार हो जाए। कितने इसमें 5 बाथरूम हैं और आगे चौक है। बाथरूम में नल होंगे, पूरा सीधा ऊपर से पानी कनेक्ट होगा, पानी के लिए यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी और पानी का कनेक्शन वहाँ 24 घंटे होगा। तो इस तरह से पानी की व्यवस्था होगी और 5 बाथरूम्स बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के, बहुत अच्छी क्वालिटी के यहाँ बनेंगे।